over there. नहीं अभी आई नहीं थैंक यू रेशमा से दिलीप सेन जी के मैडम से मैडम से मानती हैं हमारे रेशमा जी को तारीफ की देखा भी होगा मुझे अनाड़ी नंबर वन में मैंने गोविंदा जी के साथ डांस किया था। बड़ी खुशी है इस बात की कि आज जो हमारे चहिती लाडली हमारी छोटी बहन ने सना जी ने जो ये कदम उठाया है एकेडमी का हमारी ओर से सबकी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उस शुभकामनाओं के साथ साथ मैं इस बात का भी वादा करता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी इनको मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं ज़रूर इनकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा और बहुत बहुत बधाई हो आपको। कथक डांस देखिए अभी फिलहाल उम्र इतनी हो गई है ये बात बहुत पहले मैं कहा करता था जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर था तो लोग मुझसे कहते थे ना ऐसे गाइड के लिए क्योंकि आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं अब क्योंकि कथक एक सब्जेक्ट ही अलग है फोक कथक एक अलग सब्जेक्ट है आजकल जो स्टाइल का है मगर अगर कभी भविष्य में ऐसा लगा कि किसी को ताल का या लय का या मात्रा का या तोड़े टुकड़े का अगर जरूरत पड़ेगी तो जाहिर सी बात है मैं आऊँगा और वो आना क्या है जब हमारी लाडली छोटी बहन बोल दिया तो खत्म हो गई बात ये इसका भी है हमारा भी इंस्टीट्यूट डांस के अब क्या ओले ओले तो बहुत गा दिया हूँ मैं अब दादा का एक गाना है मेरे पास जो मैंने अभी तक दिया नहीं है और आई होप कि अगर दादा कभी सेवा का मौका देंगे या दिलीप जी देंगे तो वो नहीं गाना इन्हीं का फाइनल किया है आप मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी देखिए आज दादा 20-25 साल के बाद मिल रहे हैं हम लोग गाना भी बिल्कुल इनके जैसा ही क्योंकि मेरा एक गाना चला था गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा दिन तक दिना दिन तो दादा ने बोला दिलीप मेरे को इससे अच्छा चाहिए मैं बोला अब दादा कोशिश करेंगे तो वो इस तरह गोरिया मैंने ये जिया तुझको दिया खाई के कसम चाना चुनझुम चाना चुनझुम ले जा पिया मेरा ये जिया तुझको दिया खाई के कसम चाना चुनझुम चाना चुनझुम भोले भाले दिल को उड़ाया डाल के चारा मुझको फसाया बोल क्या आया न मोहब्बत का मजा खाई के कसम चनन चुनचुम चनन चुनचुम तालियां। तो ये दादा का गाना आज से 25 साल पहले मैंने कंपोज किया था इन्हीं की फिल्म के लिए किसी कारणवश नहीं बनी मगर आई होप के फ्यूचर में कभी दादा मौका देंगे तो जरूर ये गाना हम यूज करेंगे।
दिलीप जी का बोला तो यह जे राणा जी को मैं सिस्टर बोला हूँ, तो बहन मेरे अभी बहन जी का ये एकेडमी है और रिकी उसको देखभाल कर रहा है, वो मेरा बहुत काबिल और बहुत मेहनती लड़का है। दिलीप जी यहाँ है, इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छे काम किया है। दिलीप भाई बहुत सालों से हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, भले आत्माओं से तो स्पेशल तो ये बात है जी, ऐसे तो एकेडमी बहुत है मुंबई में, पर मुझे लगता है जी रिकी जो इसको कोरियोग्राफ करेगा या दिखाएंगे और साना जी का गाइडेंस रहेगा, मुझे ऐसे लगता है जी ये थोड़ा अलग किस्म का एक एकेडमी होगा जिसमें काफ़ी लोगों को लड़कों को लड़की लोग को फ़ायदा होगा। और वही बात दिलीप जी बोला, मैं भी इनको कहना चाहता हूँ, अगर इस जगह पर मुझे मेरा कोई सहयोगिता इनको चाहिए होगा कभी भी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस ये कहना चाहूँगा थोड़ा आगे हमारे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लड़के स्टूडेंट ट्रेनिंग हो करके किसी अच्छी जगह जाएंगे, वो ये हम समझेंगे हमारे लिए उनका बहुत बड़ा वरदान है कि हम इस काबिल हैं कि हम उस बच्चे को ट्रेनिंग दिए और लड़का यहाँ से आगे बढ़ा। और मेरी यही कामना हमेशा रहेगी कि हर बच्चा यहाँ से कामयाब होकर निकले और अपना नाम रोशन करे। और मुझे आप सब लोगों की बस दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्या खुशी हुई इस उद्देश्य से आपने डांस एकेडमी किया? बस रिक्की से मुलाकात हुई, अच्छा लगा और उसका डांस अच्छा लगा, इसलिए आगे कुछ फिल्म भी बनाने वाले हैं। हाँ इंशाल्लाह। और क्या क्या इसमें होगा बॉलीवुड डांस एकेडमी में? इसमें बहुत कुछ होगा, ड्रेसेस का होगा, फैशन डिजाइनर रहेगा, सब ये होगा अपना। और जिसके आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको काबिलियत नहीं, सीखने के पैसे नहीं है, उनको भी कुछ हाँ उनके लिए भी आज करा जाएगा, ऐसा नहीं उनको छोड़ा जाएगा। नहीं मगर ये सब जरूरी है क्या कि जिसके पास पैसे नहीं तो उसको यहीं आना जरूरी है? यश चोपड़ा के ग्रुप में जाए ना, कहीं सुभाष गाय के जाए ना, बात वो नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनको सिखाया जाएगा, ऐसी बात ये है कि जो इस काबिल होंगे टैलेंट होगा कि हाँ भाई उनको जरूरत ऐसी वो नहीं तो पता चला पैसे दे के बगैर तो यहाँ नीचे वो सारे वही घूमते हैं। मास्टर तो काफी घूमते हैं, अब ये कि क्यों दिखा हमें, इसमें कुछ दिखा हमको कुछ अच्छा कर सकता है। आप थोड़ा शब्द बोलिए विक्की जी, इधर मेरे बगल में आ जाइए, हिम्मत लो हिम्मत। हमारे बॉलीवुड एकेडमीज जो ऑन हुए हैं, हमारे दिलीप सर ऑल फैमिली बॉलीवुड डांस एकेडमी की जितने भी मेंबर्स हैं, और हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि हमारे जितने भी स्ट्रगलर डांसर्स हैं जिसको प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, ये हमारे बॉलीवुड डांस एकेडमी से DID हो, वुगी वुगी हो या D+ हो, जितने भी रियलिटी शोज हैं हमारे यहाँ से प्लेसमेंट गारंटी है। और हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिसमें टैलेंट है उनसे फी नहीं लिया जाएगा। मुंबई में कहाँ पे एकेडमी खुला है? बॉम्बे में अपना श्री जी होटल के ऊपर, हाँ श्री जी रेस्टोरेंट, फर्स्ट फ्लोर, 68 स्टूडियो नंबर, हाँ लिंक प्लाजा, बॉलीवुड डांस एकेडमी। तरफ से पहले तो डांस एकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नया टैलेंट आएगा तो उससे काफ़ी उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आगे ये लोग भी काफ़ी वर्क करेंगे उसके लिए, तो अच्छा ही होगा। आपका क्या योगदान होगा? हम तो इनके साथ हैं, हर चीज़ में साथ हैं, तो चाहेंगे कि ना जितना अच्छा काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए फेसेस को इंट्रोडक्शन मिलेगा, तो काफ़ी लोगों को इनसे माइलेज मिलेगा और आगे भी काफ़ी काम करने का मौका मिलेगा, और हम तो साथ हैं। थैंक यू। अभी बोल दीजिए कुछ।
क्या बोले, डांस एकेडमी है, आए न्यू, हमारे न्यू यूथ आएंगे यहाँ, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नए नए चैलेंज में जाएंगे। ज़रूर, क्यों नहीं, चांस मिलेगा तो क्यों नहीं।